नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तोड़ दिया इस अदा से तालुक उसने गालिब, तोड़ दिया इस अदा से तालुक उसने गालिब, कि सारी उम्र हम अपना कसूर ढूंढते रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जो NTA की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी, पहले बच्चों के पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार चेक कर रहा था, कमेंट आ रहे थे सर आवाज कम आ रही है। आज प्यारे बच्चों पूरा का पूरा माइक सिस्टम ही चेंज कर दिया है। अब बताना आवाज आपको प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। आज के पहले क्वेश्चन की ओर बिना कोई टाइम जाया कर शुरू करते हैं। कॉमेंट करके बताना सीरीज कैसी है। आज हरियाणा इंडिया जीके के दोनों क्वेश्चनों का समावेश है और सीरीज को शेयर जरूर करना। क्वेश्चन आया हुआ है कोला खोज एक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोला खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है। ये क्या है, कोला खोज क्या रहेगा प्यारे बच्चों? एक सामूहिक कृषि मॉडल रहेगा जिसे खालिस्तान में पेश किया गया था। इसे प्यारे बच्चों उस टाइम है ना रूस नहीं कहा जाता था, उस टाइम इसे सोवियत संघ कहा जाता था। ये कहां का मॉडल है, सोवियत संघ का क्या रहेगा मॉडल रहेगा? और सोवियत संघ का ना 1991 में क्या हो गया था, विघटन हो गया था ना। अब इसको क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। अब आपने रूस और यूक्रेन विवाद देखा होगा, तो ये प्यारे बच्चों मतलब है सुलझाना अपने आप में आसान है नहीं है। और क्लास में एक लड़का बैठा था, बोला सर मैं सुलझा सकता हूँ इस विवाद को। मैंने पूछा बेटा कैसे सुलझा सकते हो, बोला गुरुजी जब बचपन में माँ मेरे थप्पड़ मार दिया करती थी ना तो मैं रूस जाया करता था। बोला मैं माँ के थप्पड़ के बाद मैं रूस जाया करता था। मैं वाह बेटे मौज कर दी तूने तो। तो कोल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे खालिस्तान में पेश किया गया था, जिसे सोवियत संघ में पेश किया गया था। और प्यारे बच्चों जब 1917 के बाद जो क्रांति हुई थी, आप पढ़ते हो रूसी क्रांति में, इस मॉडल को ना बहुत ज्यादा मतलब फेमस हुआ था। और जो स्टालिन नेता थे ना उसने कहा था ये कोला खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल क्या है, इसमें ना मतलब लोगों का क्या बना दिया गया था, एक ग्रुप बना दिया गया था और उसमें उनको ना सामूहिक रूप से क्या करनी होती थी, एक प्रोजेक्ट पर काम करना होता था। तो ये कोला खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे कहां पर पेश किया गया था, उनने लगभग 1917 की क्रांति के में ये फेमस हुआ था स्टालिन के द्वारा, तो इसे सोवियत संघ में पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में देखा गया था। और 1917 में आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों कि श्रीमती एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी देखा गया था। और वो आयरलैंड से थी और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन होती थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। 1924 में आप पढ़ते हो, आगे आता है वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में निम्नलिखित में किस भारतीय ने शांति और आशा का एक ऐतिहासिक गीत गाया था। ये प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो सुबु लक्ष्मी, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। बच्चे लता मंगेशकर कर आए थे, लता मंगेशकर ने गीत गाया था ऐ मेरे भारत के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो युद्ध के दौरान गाया गया था। ये MS सुबु लक्ष्मी ने गाया था, किसने गाया था, MS सुबु लक्ष्मी ने क्या गाया था, ये गीत गाया था। और इनका संबंध कहां से था, मदुरे तमिलनाडु से क्या था इनका संबंध था। ये पहली महिला में इनमें ना इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको नवाजा गया था। और इन्हें प्यारे बच्चों भारत रत्न भी मिला था, क्या मिला था, भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इंडियन क्लासिकल सिंगर होती थी और ये भी 1916 में जन्म हुआ था और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1916 में जन्म हुआ था, 2014 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, MS सुबु लक्ष्मी की होती थी। तो ये मदुरई तमिलनाडु से है जिसे मंदिरों का क्या कहा जाता है, शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पिलनी की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी, पिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलनी है ना ये कहाँ के थे होते थे प्यारे बच्चों, पिलनी है ना ये इटली के हुआ करते थे, इटली के महान फिलोसफर हुए हैं, ठीक है। लगभग 79 AD के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृति पूछे तो कौन सी रहेगी, नेचुरल हिस्टोरिका इनकी
प्रमुख क्या रहेगी, रचना रहेगी। एक पूछा जाता है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की रचना पूछे ना तो कौन सी रहेगी, इंडिका रहेगी। कौन सी रहेगी, इंडिका रहेगी। चाणक्य की पूछे तो कौन सी रहेगी, अर्धशास्त्र रहेगी। क्या रहेगी, अर्धशास्त्र रहेगी। मैक्याबली की पूछे ना, मैक्याबली, ठीक है। द प्रिंस आपने पढ़ा होगा, द प्रिंस। ये रचनाओं से भी क्या आते हैं आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, विष्णु पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की क्या थी कहानियां थी, पिलनी की कौन सी होती थी, नेचुरल स्टोरी का। इसे बड़े पैमाने पर इस रचना को क्या किया गया था, सराहा गया था। बड़े पैमाने पर इस रचना को क्या किया गया था, सराहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को बोलते हैं इंग्लिश में ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, हेग नीदरलैंड में रहेगा। कहां पर रहेगा, हेग नीदरलैंड में रहेगा। बाकी जितने भी आपसे ऐसे पूछे, महासभा पूछ ले, चाहे सुरक्षा सुरक्षा परिषद पूछ ले, ठीक है, परिषद पूछ ले, न्यास परिषद पूछ ले, ठीक है, और सर जितने भी और अंग है ना उनका हेडक्वार्टर है ना कहां पर रहेगा, न्यूयॉर्क में रहेगा। कहां पर रहेगा, न्यूयॉर्क में रहेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। आप संयुक्त राष्ट्र संघ बाय प्रदीप सर डाल देना, एक एक परत दर परत आपको ये कंसेप्ट है पढ़ाया गया है, 1% भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और नवरात्रे स्टार्ट हो गए, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि अगले नवरात्रे तक है ना हर पढ़ने वाला बच्चा क्या लग जाए, जॉब लग जाए। जैसे कहते हैं ना, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सरूर मिलता है, और जो भी आता है माता रानी के द्वार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो माता रानी है ना, वो आपको, आप मेहनत करोगे तो जॉब लगवाएगी। और प्यारे बच्चों एक नंबर दे देता हूँ, 7478 4007 47, और जो भी हमारे ना जितने भी कोर्स है ना वो नवरात्रा स्पेशल ऑफर लगा हुआ है, उन पर आप महज कम से कम पैसे में ना वो कोर्स बाय कर सकते हो। और प्यारे बच्चों अप्रैल है ना, नेक्स्ट वीक में ना हमारा न्यू कोर्स आएगा, जो अभी HSSC CET लाइव रिकॉर्डेड बोलेगा उसको वो फ्री दिया जाएगा। तो अब आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग कोर्स है, देख लेना, नाम मात्र फीस पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपितृण है, ये पूछने का काम किया गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम इकोरोनिया, ठीक है, इका वैसे साइंस का क्वेश्चन था, इसका नाम आया था इकोरोनिया, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपवृत्ति, ये जलीय रहेगी, और क्रोसिप्स क्रोसिप्स ये प्यारे बच्चों इसको ना आप YouTube पर या Google पर सर्च करना इसके बारे में, ठीक है, ये अमेजिंग फैक्ट्स देखोगे। विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतृण है तो कौन रहेगी, इकोर्निया क्रोसिप्स रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, इसलिए आपको करवा नहीं रहा था कि आप में एक क्यूरियोसिटी की पावर बढ़े, आप सर्च कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में पूछा गया है। तो मिश्रा जी के बारे में, ये रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इसका श्रेय किसको गया था प्यारे बच्चों, रामदेव मिश्रा को इसका क्या गया था, श्रेय गया था। ये बाबा रामदेव नहीं है, जिनका जन्म आप पढ़ते हो 1965 में हुआ था, अली सैयदपुर गांव में। कहां, किसका जन्म हुआ था, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। और 2006 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, पतंजलि योगपीठ की स्थापना कहां पर की थी, हरिद्वार में की थी। और बाबा रामदेव है ना, इनके बचपन का नाम क्या होता था, राम किशन होता था। पिता का नाम क्या होता था, श्री राम निवास होता था। माता का नाम क्या होता था, श्रीमती गुलाबो देवी होता था। क्या होता था, श्रीमती गुलाबो देवी इनकी क्या होती थी, माँ का नाम होता था। और बाबा रामदेव है ना, ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन है पक्का आता है प्यारे बच्चों। इन्हें यो हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। इन्होंने अपने योगपीठ का नाम पतंजलि क्यों रखा, क्योंकि पतंजलि है ना विश्व के पहले क्या होते थे,
योग गुरु होते थे, किसके दरबार में रहा करते थे? पुष्य मित्र सुंग के दरबार में रहा करते थे। दो असव मेघ यज्ञ भी करवाए थे। तो रामदेव मिश्रा वो अलग है, तो इन्हें प्रास्तिकी विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ना, पीसी महालनोबिस, इस किसको कहा जाता है? प्रशांत कुमार महालनोबिस, प्रशांत कुमार महालनोबिस, ये पीसी महालनोबिस का पूरा नाम रहेगा। प्रशांत कुमार महालनोबिस को ना भारतीय नियोजन का क्या कहा जाता है? वास्तु कार कहा जाता है। और ये जो पहला हमारा प्लानिंग कमीशन बना था ना, उसके सदस्य कौन होते थे? पीसी महालनोबिस होते थे। और जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, जो प्यारे बच्चों आपका क्या निकालता है, प्रति व्यक्ति आय जो सीएसओ निकालता है ना, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। पीसी महालनोबिस से 29 जून 1893 को, 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था 1893 को, और मृत्यु 28 जून 1972 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म और मृत्यु दोनों इनकी कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, इनके जन्मदिन के रूप में हम कौन सा दिवस मनाते हैं 29 जून को, तो इनके जन्मदिन पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वाला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उसके क्या होते थे, ये सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखने का काम किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बन गया है? तो भारतीय संविधान की क्या बन गया है? प्रस्तावना बन गया है। भारतीय संविधान की क्या बन गया था आगे चलकर? प्रस्तावना, प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पहली बैठक में ना डॉक्टर सचिदा नंद सिन्हा को ना संविधान सभा का क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना संविधान सभा का क्या बना दिया गया? स्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। पॉलिटी की वीडियो में देख लेना, एचसी मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा के स्थाई उपाध्यक्ष बनाया गया। और एक इसमें नाम आया था, किसका नाम आया था? वो वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू आएगा। आगे था, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित रहेगा? तो प्यारे बच्चों ये रहेगा कहां पर? रहेगा हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। 2010 में बना था, और कई किताबें 2011 आप पढ़ते हो ना, 10-11 में बना था। कौन सा? हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय रहेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, लाला जी का जन्म है ना 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोंगा नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी कर्म भूमि कौन सी होती थी? इंसार होती थी। वकालत कब शुरू की थी इन्होंने? 1885 में इन्होंने वकालत शुरू की थी। 1886 में ना ये आर्य समाज की शाखा लाला लाजपत राय कहां पर लेकर आए थे? इंसार लेकर आए थे। और 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा इन्होंने इंसार और रोहतक लाने का काम किया। इंसार में जो आर्य नगर पढ़ते हो ना, इंसार इनकी कर्म भूमि थी। और इनका ससुराल भी कहां पर था लाला लाजपत राय जी का? इंसार में इनका क्या है प्यारे बच्चों? ससुराल भी रहेगा। तो ये याद कर लेना, इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि मिली है। भगत सिंह इनके बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने प्यारे बच्चों 1927 में साइमन कमीशन बना, 7 सदस्य थे, 7 तो अंग्रेज, तो व्हाइट मैन कमीशन। 1928 में भारत आया तो लाला जी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। मतलब लाला जी ने तो अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना था, ये तो देश
देशभक्ति का काम था। स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठियां बरसवा दी और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर इनकी मौत का क्या लिया था, बदला लिया था। पंजाब केसरी कहे जाते हैं 1907 में मांडले जेल भी भेजे गए हैं। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज इनकी प्रमुख है, रचनाएं थी। और मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी, अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सी दी हुई, लाला लाजपत राय ने कहा था। तोमर राजपंत के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय एवं संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी चाहिए तो एक ही पुस्तक पढ़ लो, यश तिलक चंपू। जैसे है ना, हमें बचपन में कहते हैं अगर आपको पास होना है ना, एक छोटी सी किताब पकड़ा दी जाती एमबीडी मल्होत्रा बुक डिपो की, कहते हैं कुछ नहीं आता ना तो ये किताब पढ़ लो। और फिर बच्चे नाइट फाइट किया करते थे और उनके जब 70% नंबर आ जाते थे खुश होकर कहते थे एक दिन में 70% आए हैं, पूरा साल पढ़ता तो कितने आते, आने इतने ही है। ये मन का क्या था, बहम था। लड़के नाइट फाइट में ज्यादा विश्वास करते रखते थे। कौन कौन रखता है कॉमेंट करके जरूर बताना। यस तिलक चंपू है ना, ये तोमर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नौवीं शताब्दी में तोमर नौवीं शताब्दी में एक राजा मिहिर भोज का क्या मिला था, अभिलेख मिला था, वो गुज्जर प्रतिहार वंश का होता था। आगे आते हैं, प्रतिहार शासक वत्सराज ने किस तोमर सरदार को हरियाणा का विशेष प्रशासनिक नियुक्त किया था? तो ये प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज, इसने एक गल नामक अधिकारी को, ना अधिकारी का नाम क्या था गल, जिसे विशेष प्रशासक क्या किया था, नियुक्त किया था। वत्सराज ने किसको किया था, गल को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था वत्सराज ने, गल नामक व्यक्ति को विशेष प्रशासक क्या किया था, नियुक्त किया था। वत्सराज है ना प्रतिहार वंश का क्या होता था, राजा होता था। आगे आता है, पेहवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय खालिस्तान नामक सरदार द्वारा किया गया था। ये कहते हैं यानी कि मतलब जानकारी मिलती है पेहवा अभिलेख से, जानकारी मिलती है ठीक है। तो एक जाउल, कौन था जाउल, जाउल नामक सरदार ने ना क्या था प्यारे बच्चों, नामक सरदार द्वारा हरियाणा में तोमर वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। इसकी जानकारी कौन मतलब कहां पर मिलती है, तोमर वंश का ये पेहवा अभिलेख जो नौवीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज से संबंधित था, उसमें जानकारी मिलती है कि जो जाउल नामक सरदार द्वारा ये गल क्या था, जो विशेष वत्सराज ने विशेष प्रशासक नियुक्त किया था और जाउल नामक सरदार में तोमर वंश का क्या हुआ था, उसके द्वारा इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। हरियाणा में तोमर राजा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तोमर राजाओं ने ना आपको पता है प्यारे बच्चों, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था, दसवीं शताब्दी में निर्माण करवाया, किसने करवाया था, अनंग पाल तोमर ने करवाया। ना आए तो अनंग पाल द्वितीय आएगा, ना आए तो सूरज मल ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था, तो ये किसने दिया था, अनंग पाल ने दिया था। किसने दिया था, अनंग पाल ने दिया था। ये क्वेश्चन रट लेना, बहुत बार आ चुका है। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। पृथ्वीराज चौहान आए कहां का शासक होता था, अजमेर का क्या होता था, शासक होता था। 1166 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान ने ना इसमें इसका दोस्त रहता था आसी में, यहाँ पर आसीरगढ़ का किला बनवाया था। आसीर का अर्थ है तलवार, तो तलवारों का किला बनाया था। और 12वीं शताब्दी में और गोहाना के किले का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने कराया। और जो तोसाम की बाराबरी है ना, वो पृथ्वीराज चौहान की क्या कहलाती थी, कचेरी कहलाती थी, तोसाम की बराबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र होता था? मैंने बताया था राजा मिहिर भोज के टाइम में ना जो पेहवा होता था ना, वो उत्तरी पेहवा होता था ना शासन का, उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र होता था। पेहवा कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में हो रहेगा। और राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था, घोड़ों का
व्यापार होता था। पेहवा में किसका व्यापार होता था? राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? ट्रेड ऑफ फोर्सेस, घोड़ों का व्यापार होता था। और 2019-20 में जो नई पशु गणना है उसके अनुसार घोड़े गुरुग्राम में ज्यादा पाए जाते हैं, कुत्ते भी गुरुग्राम में ज्यादा पाए जाते हैं। तोमर वंश के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी आई तो मैंने आपको बताया एक ही रखना, यश तिलक चंपू, किस में मिलती है? यश तिलक चंपू में इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किस में जानकारी मिलेगी प्यारे बच्चों? यश तिलक चंपू में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। महमूद गजनवी के हांसी व थानेसर पर आक्रमणों की बहुमूल्य जानकारी निम्न में कौन सी पुस्तक में मिलती है? महमूद गजनवी के हांसी व थानेसर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, पेपर में आएगा तारीख ए सुबक्त जीन, किस में मिलती है? तारीख ए सुबुक्त जीन में इसकी जानकारी मिलती है। अगर आए महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया तो इसकी जानकारी है ना 1014 में किया था, और यहां से वह चक्रस्वामी महाराज की क्या ले गया था? मूर्ति ले गया था। इसकी जानकारी एक तो किताब उल हिंद जो अल बेरूनी ने लिखी थी, किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने लिखी थी। एक तारीख ए यामिनी इन दोनों में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन तारीख के सुबुक्त जीन बताता है महमूद गजनवी के हांसी व थानेसर पर आक्रमण की क्या देता है? जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेवा शिलालेख 1882 तो नवीं शताब्दी में हो गया द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया, जिस पर पेहवा में घोड़ों मेले में मिले कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारस्परिक रूप में दर्ज किया गया एक समझौते के रिकॉर्ड है? पेहवा अभिलेख है, आपको पता है नवीं शताब्दी में मिला था, किस राजा का होता था? मिहिर भोज का क्या होता था? पेहवा अभिलेख होता था। और इससे पता चलता है कि पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का। पेहवा अभिलेख पूछे ना किसके द्वारा, तो राजा मिहिर भोज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पेहवा अभिलेख पूछे किस शताब्दी में मिला, नवीं शताब्दी में मिला, और पेहवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आगे आता है उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है तोमर शासक का अंत किस राजवंश के साथ है? समाप्त हो गया था, तो ये चाहवन राजवंश था। कौन सा था? चाहवन राजवंश के साथ ही ना तोमर वंश क्या हो गया, ये इस उस क्षेत्र जिसे आज हरियाणा कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा का वर्णन सबसे पहले हरियाणा वो चाहवन ग्रंथ में मिला था, या उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है तोमर शासक का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हो गया, तो चाहवन राजवंश के साथ वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनेंगे, आप फेसबुक पर भी प्यारे बच्चों हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो जीके भाई प्रदीप सर का फेसबुक ग्रुप है और जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ अभी वीडियो रोक कर ज्वाइन कर देना, और अब से ना ये पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं इस क्लास की पीडीएफ है डाल दूंगा, अभी ज्वाइन कर लेना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी। इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया, तो महमूद गजनवी ने ना थानेसर पर 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया था? थानेसर कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया, और यहां से कौन सी मूर्ति ले गया था वह? चक्र स्वामी की मूर्ति ले गया। इसकी जानकारी हमें किताब उल हिंद अलबेरूनी की और तारीख ए यामिनी पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। तो ये भी आता है महमूद गजनवी है ना वो किस वंश का राजा होता था, तो महमूद गजनवी है ना वो यामिनी वंश का क्या होता था? राजा होता था। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना आपस में टकराती है, तो इन दोनों की सेनाओं का आमना सामना है ना त्रावड़ी के मैदान में हुआ था, ठीक है, जिसे कई किताबें तरोरी वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, पृथ्वीराज चौहान जीता था 1192, मोहम्मद गोरी जीता था, तो दो तराइन के युद्ध हुए थे। तीसरा 1215 में जो इल्तुतमिश यल्दोज के बीच में हुआ, जिसे इल्तुतमिश जीता है वो महत्वपूर्ण कम है। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी, तो ये चौहान वंश के ये तराइन के मैदान में या त्रावड़ी के मैदान में युद्ध हुआ। पिछला क्वेश्चन क्या कहता था,
किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमना सामना हुआ? तरावड़ी के मैदान यानी करनाल में आमना सामना हुआ था। 1080 के बाद गजनी के शासक इब्राहिम ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया, किस तोमर शासक ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? 1080 में गजनवी के शासक इब्राहिम ने हरियाणा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। किसने किया था? इब्राहिम ने हरियाणा पर क्या किया था प्यारे बच्चों? आक्रमण किया था। ठीक है, किसने आक्रमण किया था? इब्राहिम ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तो किस तोमर शासक ने बिना लड़े ही ना उसकी अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। कब की बात हो रही है प्यारे बच्चों? 1080 की बात हो रही है। 1080 के बाद गजनी के शासक इब्राहिम ने जब हरियाणा पर आक्रमण किया, तो किस तोमर शासक ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। उस तोमर वंश के शासक का नाम बताना है। कब की बात है? 1080 के बाद गजनी के शासक, ठीक है, तो इब्राहिम जो गजनी महमूद गजनवी है ना, उसकी तो मृत्यु कब हो गई थी प्यारे बच्चों? उसकी तो मृत्यु कब हो गई थी? 1030 में हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद है ना, महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों ने कमान संभाली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब है ना कमेंट बॉक्स में देना, और जो बच्चा इसका जवाब देगा ना, कल उस वीडियो में उसका सबसे पहले नाम अनाउंस किया जाएगा। ये चीज सर्च करना, आपको दो काम दिए हैं। एक तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था, एक जो जलीय जीव वाला बताया था, उस पर आपको क्या करनी है? रिसर्च करनी है, अमेजिंग फैक्ट्स निकलेंगे थे। एक गजनी के शासक इब्राहिम ने जब हरियाणा पर, अगर आपने नहीं बताया तो कल इसका आंसर भी बता देंगे, लेकिन जो बताएगा उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ठीक है, इतना बता देता हूं, वो तोमर वंश का राजा था जिसने बिना लड़े ही इसकी अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बड़ा ही प्यारा राजा था। ठीक है, आप कमेंट करके बताना उस राजा का नाम। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जब हूण, तुरक और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का क्या कहलाती थी? उत्तरी भारत का द्वार कहलाती थी। हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का द्वार नहीं आएगा तो उत्तरी भारत का क्या आएगा? ताज आएगा। दोनों में से एक मिलेगा। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए जब हूणों ने, तुर्कों और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का क्या कहलाती थी? द्वार या ताज कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में कौन सी पुस्तक से हमें आसी पर मसूद के आक्रमणों की जानकारी देती है कि आसी पर क्या किया था मसूद ने, क्या किया था? आक्रमण किया था। आज के प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये हमने ना 50 क्वेश्चनों की एक बुकलेट तैयार की थी। आज मेरे को कहीं निकलना है तो आज के लिए 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। इससे आगे की जो श्रृंखला हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताना है। देखो, मैंने बताया था इब्राहिम, जैसे आप पढ़ते हो ना इब्राहिम, जैसे सब महमूद गजनवी के बारे में ना, महमूद गजनवी वे उनके उत्तराधिकारियों के आक्रमण पढ़ लेना। मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखे हैं और ये भी बता रखा है कि महमूद गजनवी के बाद मसूद, मादूद, इब्राहिम, इन्होंने भी हरियाणा पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अच्छे तरीके से बता रखे हैं, तो यहाँ के आगे का इतिहास हम कल पढ़ेंगे। और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल मैं आपसे दोबारा रूबरू होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस सीरीज को ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको क्या करना है? शेयर करना है, क्योंकि इससे एक टीचर का क्या बढ़ता है प्यारे बच्चों? हौसला बढ़ता है। और आप में और टीचर को कुछ नहीं चाहिए। कल जैसे दुर्गा शक्तियों में लगभग 30 लड़कियों के कॉल और मैसेज आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तब टीचर को बहुत ज्यादा क्या होती है? खुशी होती है। लड़कियां मतलब जब मिलने आती है ना, मतलब कि हमारा आपकी वजह से, मैं कहता हूं कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब है ना आपकी मेहनत का क्या है, नतीजा है। तो पढ़ते रहिए। कभी एक लड़की का कॉमेंट आया था, सीमा का शायद कमेंट था, वो कहा सर मेरा नहीं हुआ, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में समझाया, गुड़िया कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, दोबारा लड़ेंगे, और जो योद्धा होता है ना वो कभी हार नहीं मानता। तो आपको निराश नहीं होना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।